हाँ भाई इंसानों, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक नया लेक्चर, जिसमें कि हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। लास्ट टाइम मैं आप लोगों से माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन, यहाँ तक मैं डिस्कशन कर चुका था आप लोगों के सामने, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। अब इसके बाद आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एकदम ऑल न्यू लेक्चर, जिसमें कि हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अभी तक जो हमने बात करी थी उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को बहुत ही अच्छे से जाना, ठीक है। अब कैसे कैसे नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, कुछ टीचर्स उनको पहले पढ़ा देते हैं। पहले मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं आपको ब्रेन, आपका जो भी नर्वस सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ा दूँ, और फिर बाद में उनके फंक्शंस के बारे में बात करूँ। बोथ ऑफ ब्रेन, CNS, PNS एंड योर न्यूरॉन्स ऑल्सो, ठीक है, कि नर्व्स के अंदर से कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस कैसे होता है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, और मैंने स्टार्ट किया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आपके दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की लेयर्स के बारे में। जो ह्यूमन ब्रेन की कवरिंग्स होती हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है, क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है जी। तो कितनी कवरिंग्स होती हैं ब्रेन की, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो ब्रेन की जो कवरिंग है वो तीन होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो है उसका नाम है ड्यूरा मैटर, उसके बाद है एरेक्नॉइड मैटर। कुछ जगह पे एरेक्नॉइड मैटर बोला जाता है, कुछ जगह पे एरेक्नॉइड ही बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पाया मैटर की, ठीक है, P4 पाया मैटर, P4 पास। तो ब्रेन के सबसे ज़्यादा पास, ब्रेन के सबसे ज़्यादा पास यही होता है, D4 ड्यूरा मैटर, D4 दूर, ठीक है, तो ये सबसे दूर रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं इन जो ये आपकी जो ये लेयर्स हैं, जो ये कवरिंग्स हैं, इनके बीच में कुछ स्पेस होता है, जैसे कि ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस है इसका नाम है सब ड्यूरल स्पेस, ओके। और जो आपका एरेक्नॉइड और पाया मैटर है इसके बीच में जो स्पेस है उसका नाम है सब एरेक्नॉइड स्पेस, ओके। आई होप आप इनको याद रखेंगे। अब जो आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस है, ठीक है, इसके अंदर एक फ्लूड फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके सामने, ठीक है। अब ये फ्लूड क्या काम करता है, अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए, ये फ्लूड एक पैड या फिर कुशन की तरह वर्क करता है CNS के लिए, है ना, और उसको प्रोटेक्ट करता है शॉक से, जिससे कि हमारा अगर हम कहीं किसी दीवार से टकरा रहे हैं तो ब्रेन में ज़्यादा इंजरीज ना आए, मतलब कि ब्रेन को बहुत सारे शॉक से बचाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये एक ऐसा मीडियम भी प्रोवाइड करता है जिस मीडियम की वजह से एक्सचेंज हो पाता है किसका, फूड मटेरियल्स का, वेस्ट का, रेस्पिरेटरी गैसेस का और अदर मटेरियल्स का, ठीक है, ब्रेन में और आउटसाइड, ठीक है, एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। इसके बाद सब ड्यूरल जो स्पेस है इसके अंदर CSF नहीं होता है, लेकिन CSF के साथ CF जैसा ही कंपोनेंट होता है, लेकिन उसके साथ इसमें ब्लड भी होता है, ठीक है। तो उस फ्लूड को हम बोलते हैं सब ड्यूरल हेमाटोमास, हेमाटोमा, हेमाटो मतलब ब्लड, ठीक है, इसमें ब्लड भी होता है थोड़ा सा, तो इस हिस्से में ये भरा होता है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर देखनी है तो आप इस तरह से देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ तो देख सकते हो। ये आपका स्कैल्प है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे स्कल है, स्कल की शुरुआत हो जाती है। अब स्कल के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स आ गई हैं, बाहर वाली है पेरियोस्टील और नेक्स्ट है मेनिंजियल, ठीक है, जो परत में, जो रियल में यही है असली ड्यूरा मैटर। इसके बाद है एरेक्नॉइड मैटर और फिर है सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है जी, सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, इनके बीच में एक स्पेस होता है जिसको सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो है, ठीक है। और जो आपका ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में है उसको हम बोलते हैं सब ड्यूरल। देखो ना, सब, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, सब, सब मतलब होता है नीचे, तो जैसे कि ड्यूरा मैटर के नीचे कोई स्पेस होगा तो सब ड्यूरल स्पेस कहलाया जाएगा, और ऐसे ही एरेक्नॉइड मैटर के नीचे कोई होगा तो सब एरेक्नॉइड स्पेस कहलाया जाएगा, ओके। फिर पाया मैटर है, पाया मैटर के बाद आ जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद फिर यहाँ पे आपका आएगा ग्रे मैटर एंड देन वाइट मैटर। टेंशन मत लीजिए, मैं ग्रे मैटर और वाइट मैटर को समझा दूंगा, ठीक है।
बस इसमें न्यूरॉन्स के कंपोजिशन का ही फर्क होता है, ठीक है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे क्या आएगा, आपका ग्रे मैटर आएगा और उसके बाद आएगा आपका वाइट मैटर, ठीक है। ग्रे मैटर में माना जाता है बहुत सारे एक्सॉन्स होते हैं, सॉरी सेल बॉडीज़ होती हैं, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या होते हैं, बहुत सारे सेल बॉडीज़ होती हैं और इधर में क्या होता है, एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है जी, याद रखेंगे। तो इसमें ग्रे मैटर में क्या होता है, बहुत सारे आपके सेल बॉडी जिसको साइटोन बोलते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका, एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है जी, याद रखना। ये बात शायद मैं पहले भी कहीं डिस्कस कर चुका हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं एक और नई टर्म की, ठीक है, एक और नई टर्म की मैं बात करने जा रहा हूँ, तो सुनिएगा ध्यान से। तो भाई एक और जो नई टर्म है वो आपके सामने है, ये फ्रंटेनल्स, ठीक है ना। ये कौन सी लेयर है, तो सुनिए, ये एक मेम्ब्रेनस एरिया है, किसके बीच में, बिटवीन क्रैनियल बोन्स ऑफ फीटल स्कल। जब फीटस वाली स्टेज आपकी होती है तो कुछ मेम्ब्रेनस एरियाज होते हैं, उनको हम फ्रंटेनल्स बोल देते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ब्रेन के कौन कौन से लोब्स होते हैं। तो देखिए भी ब्रेन के मेनली फोर लोब्स होते हैं, मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। जो सबसे फ्रंट वाले एरिया पे होता है, आगे फ्रंट बोला ना मैंने, तो फ्रंट वाला जो एरिया है इसको हम बोलेंगे फ्रंटल लोब। ये कौन सा लोब हो गया आपका, ये हो गया फ्रंटल, ठीक है ना। इसके बाद ये हो जाता है आपका लेटरल या फिर टेम्पोरल लोब, ठीक है, और ये हो जाता है आपका पैराइटल लोब। ये हो गया आपका पैराइटल लोब हो गया, ठीक है जी, अच्छा। और ये हो गया आपका ऑसीपीटल लोब, ऑसीपीटल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये चार लोब होते हैं मेनली। अच्छा, और एक चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ पर जो ये लाइंस चल रही हैं, जो ये लाइंस दिख रही है ना आपको, जैसे जैसे ये कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ट्यूब लाइक बोला मैंने, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे जो ये स्पेस होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सल्कस, ठीक है, और जो ये होता है ट्यूब्यूलर सा जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं गायरी, गायरी बोलते हैं, ठीक है, गायरी। तो ये है आपका लेटरल सल्कस, जो मैंने यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये है आपका लेटरल सल्कस, ठीक है, जो इस तरह से डिवाइड कर रहा है, और ये है आपका सेंट्रल सल्कस। तो ये हो गया आपका सेंट्रल सल्कस, ये हो गया आपका लेटरल सल्कस, और ये जो आपका पैराइटल और ऑसीपीटल के बीच में, ठीक है, पैराइटल और ऑसी, इसको बोलेंगे पैराइटो ऑसीपीटल सल्कस, ठीक है। ये हो गया ब्रेन के चार लोब और इनके बारे में आपको नॉलेज रखनी है, पहला लोब, ठीक है, साइड वाला दूसरा, उससे जस्ट पीछे तीसरा पैराइटल, ठीक है, एंड देन लास्ट में ऑसिपिटल, ठीक है जी, ये लोब्स आपको याद रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके ब्रेन का जो रियल डायग्राम है, ठीक है। अच्छा जी, तो ध्यान से सुनिएगा, हायर जो बुक्स है, जैसे मैंने बोला था टॉर्टोरा, तो टॉर्टोरा में दे रखे हैं ब्रेन के मेनली चार हिस्से होते हैं, डाइएन्सेफेलॉन, ठीक है, ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम, सेरेब्रम, ठीक है, ये चार मेन हिस्से होते हैं ब्रेन के। डाइएन्सेफेलॉन क्या है सर, ब्रेन स्टेम क्या है सर, ठीक है। तो अगर आप अभी इन टर्म से ज़्यादा फैमिलियर नहीं हो तो कोई बात नहीं, इतना याद रखना, डाइएन्सेफेलॉन के अंडर में दो पार्ट्स आते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अगर मुझे ये बोलना होगा ना कि ब्रेन का मेन हिस्सा थैलेमस और हाइपोथैलेमस है, तो उसको मैं डाइएन्सेफेलॉन के अंदर कैटेगराइज कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ये बात आपने याद रखनी है। पाइनियल ग्लैंड बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही मजेदार ग्लैंड है, बहुत ही, ठीक है। ब्रेन स्टेम के अंदर दो हिस्से आते हैं, एक तो आता है मिड ब्रेन, एक आता है पॉन्स, एक आता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, याद रखना। फिर सेरेबेलम तो आप जानते ही हैं, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड तो सीएनएस का दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा ब्रेन है।
यह है सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, देखो मैं आपको आपके लेवल से समझाता हूँ, आपके क्लास में क्या से समझा रखा है, आपके हिसाब से समझा रखा है। ब्रेन के देखो भाई तीन हिस्से हैं, मैं ब्लैक बोर्ड का यूज करूंगा यहाँ पे। तो आपके हिसाब से बता रखा है कि जो ब्रेन है, ब्रेन के तीन हिस्से हैं, ऐसे ही मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक, आपके हिसाब से ब्रेन के बस तीन ही हिस्से बता रखे हैं, और वो तीन हिस्से इस तरह से बता रखे हैं। एक तो बता रखा है फोर ब्रेन, क्या बता रखा है फोर ब्रेन, ठीक है फोर ब्रेन। फिर आता है आपका मिड ब्रेन, फिर आता है आपका हाइंड ब्रेन। मैं इनकी एम्ब्रियोनिक टर्म्स भी आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में, सब रखें थोड़ा सा, ठीक है। प्रोजन सेफलॉन, मीजन सेफलॉन, रोमन सेफलॉन, सब बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो फोर ब्रेन के आपके सिलेबस में तीन हिस्से बता रखे हैं, और वो तीन हिस्से हैं सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है जी। मिड ब्रेन का कोई हिस्सा नहीं है, मिड ब्रेन ही है, ठीक है। इसमें बस एक कैविटी है, सब ज्ञान दूंगा थोड़ी देर में। इसके तीन हिस्से बता रखे हैं पॉन्स, कुछ जगह पे पॉन्स वेरोली लिखा होता है पॉन्स, फिर है मेड्यूला, कुछ जगह पे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा लिखा हुआ है, और है सेरेबेलम, ठीक है। ये ऐसे आपके सिलेबस में बता रखे हैं, आप चाहो तो ऐसे याद कर लो, या फिर ब्रेन के मेन चार हिस्से जैसे मैंने बताया ऐसे याद कर लो, ठीक है भाई। इसका इंस्टीट्यूट ले लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है जी। तो ब्रेन के चार हिस्से हैं डाइनसेफेलॉन, पेन बता देता हूँ, व्हाइट वाला पेन दिख नहीं रहा है। तो ब्रेन के मेनली चार हिस्से कौन से, हायर अथॉरिटी से अगर आप हायर बुक्स के हिसाब से पढ़ेंगे तो डाइनसेफेलॉन, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में आपका कौन कौन सा हिस्सा आता है ये आपको याद रखना है, मैंने आपको बता दिया है, एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। मेनली ये चार हिस्से होते हैं, तो आपको याद रखना है। इतना ज्ञान ब्रेन के डायग्राम के हिसाब से काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा आप जो थैलेमस है, थैलेमस के नीचे है ना हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस, ठीक है। और थैलेमस हाइपोथैलेमस किसके हिस्से हैं, डाइएनसेफेलॉन के हिस्से हैं। बताऊंगा ये टर्म कैसे आई, कहां से आई, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हाइपोथैलेमस के नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। या जो आपका हाइपोथैलेमस है इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसको, हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये होती है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब जो हमारी मास्टर ग्लैंड है ना उसका वो भी कंट्रोल में रखता है, मतलब उसको भी रेगुलेट करता है ये, ठीक है। और जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपकी मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, याद रखना, ग्लैंड वाले चैप्टर में पूछ लूंगा आपसे, ये है आपकी मास्टर ग्लैंड, ओके जी। तो मेरे हिसाब से आप इसको याद रखेंगे, और हाइपोथैलेमस जो है वो आपके नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे हाइपोथैलेमस के नीचे है। अब हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल भी करता है, एक ब्लड का एक पोर्टल सिस्टम है यहाँ पे जिसको हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, आपने ये ब्लड वाले सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। चलो जी, इतना ज्ञान काफ़ी है आपकी इस उम्र में, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करने जा रहा हूं मैं आपके सामने कि ये प्रोजन सेफलॉन, मीजन सेफलॉन ये सब कैसे आया, ठीक है, थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले मैं कुछ सेटिंग कर लेता हूं आप लोगों वास्ते, तो सुनिएगा ध्यान से भाई। तो देखो भाई, ये जो टर्म है ये कहाँ से आई, प्रोजन सेफलॉन, मीजन सेफलॉन, तो देखो भाई ये बात आई है एम्ब्रियोनिक स्टेज से, ये बहुत पुरानी बात है, जब आप के अंदर याददाश्त भी इतनी तगड़ी नहीं थी। ये बात है जब थर्ड या फिर फोर्थ वीक चल रहा था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, तब हमारे नर्वस सिस्टम में डेवलपमेंट हुई, और जो नर्वस सिस्टम अर्ली स्टेज में था, हमारा जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, उसमें सिर्फ तीन ही पार्ट थे। इस स्टेज को ना न्यूरोला स्टेज बोलेंगे, न्यूरोला, जहाँ पर नर्वस सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो
तीन पार्ट है, कौन कौन से? एक तो है आपका फोर ब्रेन, फोर ब्रेन को बोलते थे हम लोग स्टेज में प्रोजन सेफेलॉन, ठीक है। फिर है मिड ब्रेन, इसको बोलते थे मीजन सेफेलॉन, और हाइंड ब्रेन को हम लोग कंडीशन में रोमबन सेफेलॉन, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर धीरे धीरे थर्ड फोर्थ के बाद फिफ्थ वीक ऑफ एम्ब्रियो आ गया, और फिर ये डिवाइड हो गए पांच सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स में, इनको ना वेसिकल्स बोलते हैं, जैसे कि ये हो गई प्राइमरी वेसिकल्स, तीन वेसिकल्स बने, ठीक है, इसके बाद बना फिर तीन से पांच वेसिकल्स बन गए, ठीक है, मतलब कि प्रोजन सेफेलॉन से दो बन गए, ठीक है, और मीजन सेफेलॉन से एक ही बना है, और रोमन सेफेलॉन से दो और सेफेलॉन बन गए, मतलब सेकेंडरी वेसिकल्स बन गए, ठीक है। अब वेसिकल क्या होती है, आपने पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर में भी, वेसिकल कुछ नहीं है, बस एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एम्प्टी स्पेस होता है। क्या बोला मैंने? एक मेम्ब्रेनस स्पेस, एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मतलब बाहर मेम्ब्रेन मिलेगी और अंदर में मिलेगा एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे भी अंदर एम्प्टी स्पेस है भाई, ठीक है, इन स्पेस के बारे में बताऊंगा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ये बताया था, वेंट्रिकल्स ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर ना वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स मतलब खाली जगह, तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई बात नहीं, वेंट्रिकल के बारे में भी जानेंगे, सब्र रखिए थोड़ा, मैं बहुत ही अच्छे से आपको इस चैप्टर को समझाऊंगा, कहीं कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो पांच सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स कौन कौन से हैं, देख लीजिए, यहाँ पे टीलन सेफेलॉन, मतलब प्रोजन सेफेलॉन से बना है, टीलन सेफेलॉन एंड डाई एंड सेफेलॉन, टीलन सेफेलॉन फ्यूचर में सेरेब्रम बनाता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैंने जो आपको ब्रेन के मेन चार हिस्से बताए थे, उसमें मैंने चौथा हिस्सा जो लिखा था सेरेब्रम, उस सेरेब्रम की जगह आप क्या लिख सकते हो? टीलन सेफेलॉन लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डायनसेफेलॉन के जो हिस्से हैं वो आपके सामने है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और एक्स्ट्रा में आप इसको याद रखें ना, एपीथैलेमस भी एक हिस्सा होता है, मतलब थैलेमस के ऊपर ये हो गया एपीथैलेमस, थैलेमस के नीचे वाला हिस्सा हो गया हाइपोथैलेमस, सीधी सी बात है भाई ये तो, ठीक है। और जो मिड ब्रेन है ये कहीं भी डिविजन शो नहीं करता है, ये बस मिड ब्रेन बनाता है, ठीक है, मिड ब्रेन बनाता है। जो आपका रोमन सेफेलॉन है ये डिवाइड हो जाता है और दो सेकेंडरी वेसिकल्स बनाता है, जैसे कि मेटन सेफेलॉन एंड माइलन सेफेलॉन, ठीक है जी। अच्छा, बताएंगे इसके बारे में, तो देखिए मेटन सेफेलॉन बना देता है फ्यूचर में जा करके पॉन्स और सेरेबेलम वाला हिस्सा, और माइलन सेफेलॉन बना देता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और ये तीनों ही पार्ट हाइंड ब्रेन के हैं, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ओके जी। अच्छा, तो ये बात भी आपको याद रखनी है सब चीज़, है ना। अब देखो मैं बात करता हूँ कैविटीज़ की, अंदर अंदर जो कैविटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो मैंने आपको बताया था ना चार चार वेंट्रिकल्स बनते हैं फ्यूचर, पहले मैंने आपको बताया था पास्ट टाइम में कि चार वेंट्रिकल्स मैंने आपको ब्रेन के अंदर गिनवाए थे। तो कैविटीज़ कौन कौन सी, तो देख लो भाई, लेटरल वेंट्रिकल्स एक ये हो गया, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है, और ये हो गया आपका एक्विडक्ट ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन की डक्ट है ये। फिर हो गया ये फोर्थ वेंट्रिकल के दो हिस्से, अपर पार्ट या लोअर पार्ट, तो आपको ये सब याद रखना है, ठीक है भाई, मतलब मेटन सेफेलॉन के अंदर ये फोर्थ वेंट्रिकल का अपर पार्ट और माइलन सेफेलॉन से बनेगा क्या, लोअर वेंट्रिकल का फोर्थ पार्ट, मतलब लोअर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है जी। अच्छा, ओके, आई होप आप इन सबको याद रखेंगे, इतना ज्ञान काफी है आज के लेक्चर में, बाकी बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि ना बच्चे मेरे से कह रहे थे सब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा दो, लेकिन पढ़ा दो सर डेली, तो ठीक है, मैं एक दिन बनाऊंगा 11th की वीडियो और एक दिन बनाऊंगा 12th की वीडियो। अब मैं जो बोल रहा हूँ क्या पता मुझे टाइम मिले ना मिले, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि एक दिन 11th एक दिन 12th इनकी वीडियो मैं पोस्ट करता रहूँ, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और उसमें मैं बात करूंगा फोर ब्रेन के रिगार्डिंग, तो उसमें हम फोर ब्रेन को कंप्लीट कर रहे होंगे, फोर ब्रेन को, ठीक है, और मिड ब्रेन में कुछ है नहीं तो मिड ब्रेन को भी निपटा ही लेंगे उसमें भी, ठीक है भाई। तो खत्म करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है भाई। ओ कितनी बड़ी गलती कर दी भाई मैंने, मेरे फाइल सेव नहीं हुई यार, छोड़ो।